हेलो दोस्तों, आज हम असुस टफ सीरीज़ की लैपटॉप की स्क्रीन को डालेंगे। स्क्रीन हमने खोल के रखी हुई है, अभी हम आपको डाल के दिखाएंगे कैसे पैक होता है। सबसे पहले जो इसकी डिस्प्ले केबल है, इसे हमने स्लाइड करके कनेक्ट कर लेना है। फिर जो इसके ऊपर टेप लगी होती है, उसे वैसे ही स्टिक कर लेना है। इस पर हमने डबल टेप लगाई हुई है स्क्रीन की सभी साइड्स में, चारों साइड में ही लगाई हुई है। तो इसको हमने जस्ट इसके ऊपर रख के थोड़ा सा प्रेस करना है बस। आपने साइड में जो एंटीने की केबल है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि ये कहीं बीच में स्टक ना हो जाए। आपने थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है ताकि वो डबल टेप चिपक जाए। फिर हमने इसके स्क्रूज टाइट कर देने। केबल्स का ध्यान रखना है कि केबल ना बीच में कहीं अटके, नहीं तो बाद में जो स्क्रीन पैक करते तो वो प्रॉपरली पैक नहीं होती है। सबसे पहले हम इसकी हिंज उनको फिक्स करेंगे। राइट वाली हिंज को वैसे ही रख के फिर इसके स्क्रू से उन पे हिंज पे मार्क किया होता है कि कहाँ कहाँ स्क्रूस लगने, उस हिसाब से हमने स्क्रूज़ को टाइट कर देना है। दोनों साइड में तीन तीन स्क्रूज़ दिए हुए, एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। हमने लेफ़्ट साइड को भी ऐसे ही लगाना है। आपने वायर्स का ध्यान रखना है कि जब हम हिंज पे फिटिंग करते कैसे करते। फ़िलहाल हमने इसमें सिर्फ आपको स्क्रीन इंस्टॉल करना बताया, खोलना नहीं बताया, पर हमारे ही चैनल में आप देख सकते कि इस मॉडल की स्क्रीन मैंने पहले भी खोली हुई है, तो आप उसमें चेक कर सकते हो उस वीडियो को। स्क्रीन के ऊपर साइड में भी एक एक स्क्रूस लगेंगे राइट और लेफ्ट में, उनको भी हम टाइट कर लेंगे। ये हमारी स्क्रीन प्रॉपरली फिट हो चुकी है। आपने डिस्प्ले केबल का नीचे ध्यान रखना है कि वो कहीं बीच में स्टक ना हो या ऊपर उठी ना हो, क्योंकि नीचे प्लास्टिक के लॉक से उस पर ही फिक्स होनी चाहिए अंदर। अभी हम इसके ऊपर बीजल को फिक्स कर लेंगे। बीजल पे हमने डबल टेप पहले से ही लगा के रखी हुई है। बीजल को जस्ट इसके ऊपर रख के फिर सभी साइड से प्रेस कर लेना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। आपने जब इसे प्रेस करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, नहीं तो स्क्रीन भी डैमेज हो सकती है। सिर्फ साइड साइड के एज से आपने प्रेस करना है। कई पास जैसे यहाँ पे नहीं होगा तो ये बाद में भी हो जाता है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम बीजल के ऊपर एक कवर होता है उसको फिक्स करेंगे, जो दोनों हिंज को कवर कर देता है। सेंटर में होता है ये चीज़ का आपने ध्यान रखना कि उल्टा सीधा ना हो। अगर आप इसे उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉपरली फिक्स नहीं होगा, जैसे इसमें मैंने करके देखा है ट्राई, ये फिक्स नहीं हुआ। सो हमने इसे प्रॉपरली सीधा रख के जस्ट प्रेस करना है तो जो प्लास्टिक के लॉक से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसकी जो बीजल लगाई है, इसके ऊपर भी राइट और लेफ्ट में एक एक स्क्रू है, उसको भी हम टाइट कर लेंगे। कई मॉडल्स में ऐसे होता है ताकि जो बीजल है वो निकले ना, पर फिलहाल बीजल डबल
टेप के साथ स्टिक की हुई है। अभी हमने इसके ऊपर मदरबोर्ड फिक्स करना है जो हमने निकाला हुआ है। ये जो मदरबोर्ड होता है इसमें कीबोर्ड के ऊपर ही अटैच होता है, सो हम इसको ऐसे ही निकाल के इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए हमने इसे 90 डिग्री में रख के हिंज को खोला था, सो इसे ऐसे ही 90 डिग्री में रख के फिर हमने मदरबोर्ड को नीचे कर लेना है और जो हिंज है दोनों हिंजों को नीचे कर लेना। ध्यान से नीचे करना है, जब हम नीचे प्रेशर डालते तो वो स्क्रीन पे भी प्रेशर पड़ता है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जो केबल से इसका भी ध्यान रखना है, केबल कहीं बीच में स्टक ना हो हिंज के बीच में। राइट साइड में आपकी डिस्प्ले केबल है और लेफ्ट साइड में आपके वाईफाई एंटीने की केबल है। अभी जो हिंज के स्क्रूज है ये हमने सभी स्क्रूज को टाइट कर लेना है। इसमें फ़िलहाल हम एक बार बेस को चेक कर रहे हैं कि बेस के स्क्रूज तो नहीं है। ओके, इसके जो बेस के स्क्रूज है वो इसके हिंज पे नहीं टाइट है, वो साइड में प्लास्टिक के छोटे छोटे स्पेसेस लगे होते हैं जहाँ पे ये टाइट होंगे। सो हिंज पे हमने पूरे स्क्रूज फिट कर देना दोनों साइड में, चार चार स्क्रूज है दोनों साइड में। अभी हमने जो डिस्प्ले केबल है इसे हमने अंदर डाल के ऊपर से जो लॉक है उसे हम प्रेस कर देंगे और जो इसकी टेप है उसे हमने ऊपर की तरफ स्टिक कर देना है। और जो वाईफाई एंटीने की केबल है इसको आपने ध्यान से लगाना है क्योंकि ये थोड़ी छोटी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो जहाँ जहाँ प्लास्टिक के लॉक्स इसके बने होते हैं उस हिसाब से इसको अपने लॉक्स में डाल के फिर वाईफाई एंटीने से कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपने एकदम ध्यान से करना है, नहीं तो इसकी पिन डैमेज हो सकती है या बेंड हो सकती है। आप अपना समय लेके आराम से लगा सकते हैं, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे एंटीने की केबल्स कनेक्ट हो गई है, इसके ऊपर एक ब्लैक टेप थी तो वो हम फिट कर देंगे उसके ऊपर। अभी हम जो बेस है इसको फिट करेंगे, उससे पहले जो इसके ऊपर डस्ट है इसे हम ब्रश की मदद से क्लीन कर लेंगे। उससे पहले हमने जो बैटरी की केबल है इसे हमने जस्ट कनेक्टर पे रख के प्रेस करना है, फिर एक लॉक होगा उसे स्लाइड करके कनेक्टर के ऊपर कर देना है, फिर बेस को हमने इसके ऊपर रख के फिट कर देना है। सभी साइड से प्रेस कर लेना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से बेस के वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। फिर बेस के सभी स्क्रूज को हमने टाइट कर लेना है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। इसके सभी स्क्रूज की साइज़ सेम है। इनमें दो स्क्रूज मिसिंग है। अभी हम लैपटॉप को एक बार स्विच ऑन करके चेक कर लेंगे। आपने साइडों में चेक कर लेना कहीं से कोई गैप ना रहे। जब हम लैपटॉप को स्विच ऑन करेंगे तो ये टाइम लेगा डिस्प्ले देने में क्योंकि हमने इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट किया था, सो इसकी जो सीमोस होती है वो रीसेट हो जाती है, जो बायोस होती है, सो आप घबराइए मत। ये आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले आ गया है। शुक्रिया।